हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग आखिर होता है क्या? सो गाइस, इस टॉपिक में मैं आज यही डिस्कशन करने वाला हूँ। मॉब लिंचिंग क्या, मॉब लिंचिंग के लिए कानून है क्या नहीं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग का भी कोई टॉपिक है, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल, मैं ये वीडियो मैं स्टूडेंट के लिए ही डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चा है जो G20 हो, इवन बहुत ऐसा चीज़ हो जो नहीं जानता है, तो इसीलिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो ही कोशिश करता हूँ आप लोगों को बना के समझाने का, ठीक है। सो आप लोग का भी अगर कोई टॉपिक है तो आप लोग भी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप लोग जुड़ सकते हैं। सो गैस, देखते हैं मॉब लिंचिंग में कोई कानून है कि नहीं, आखिर है क्या मॉब लिंचिंग। सो गैस देखते हैं। सो गैस, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भीड़ हत्या या मॉब लिंचिंग, ठीक है। आप लोग को देख रहा होगा कि आखिर है क्या ये मॉब लिंचिंग। सबसे पहले गैस मैं बता दूं कि मॉब लिंचिंग, अगर देसी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी बात यहाँ डिफिनेशन तो लिखा ही गया है। मॉब लिंचिंग जैसे सपोज डैट कोई एक आदमी है, या मतलब दो तीन आदमी है सपोज डैट, और उसे भीड़ एक भीड़ में जमा, मतलब एक आदमी को मारने के लिए 1000 आदमी पहुँच गया, तो उसी को सिंपली भाषा में आप लोग मॉब लिंचिंग बोल सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ था, मतलब दो बाबा और एक ड्राइवर को मार दिया गया था, तो वहाँ पर देख रहे होंगे तीन आदमी को मारने के लिए कितना आदमी पहुँच गया, पूरा मोहल्ला के आदमी पहुँच गया, तो उसी को एक बोल सकते हैं मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो उसी को हम मॉब लिंचिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया भी है कि सामूहिक द्वारा हत्या किया गया, मतलब सामूहिक द्वारा, मतलब समूह काफ़ी सारा आदमी के द्वारा जो हत्या कर देते हैं, उसी को मॉब लिंचिंग बोल सकते हैं। मॉब लिंचिंग को अगर बात में हिंदी में बोले तो भीड़ हत्या बोलते हैं, मतलब भीड़ में किसी आदमी को मार मार के हत्या ही, सीधा मार ही देना, जान ही ले लेना, ठीक है ना, उसी को हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। अब कैसे इसके बाद बता दो कि कानून वगैरह है क्या ना। कैसे मैं बता दूँ कि देखो मॉब लिंचिंग का कानून क्या, अब मान लो सपोज डेट कानून तो उसके लिए ना, कि मान लो एक आदमी अगर किसी आदमी को मार दिया तो उसके लिए कानून है, मान लो दो आदमी मार दे उसके लिए कानून है। अब मान लो 50,000 आदमी एक आदमी को मार दे रहा है उठ के, तो अब भाई कितना आदमी को मतलब पुलिस वाला या कानून कितना आदमी को पकड़ेगा ना, तो कोशिश करता है उसमें से ही, कोशिश करता है कि मतलब कुछ आदमी को छांटे, जैसा भी आप लोग देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा कैमरा के नज़र में आ गया, जो आ गया तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बाकी बात जो है वो चलता है। बेसिकली वो मॉब लिंचिंग में तो वही होता है कि काफ़ी सारा आदमी आके एक आदमी को पीट डालना, ठीक है ना, सिंपली भाषा में बोलते हैं वही है। तो कानून वगैरह अभी अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो ऐसा कोई कानून तो अभी नज़र तो नहीं आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी बात अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद जान लीजिए ना। अब मान लीजिए 50,000 आदमी मार रहा है एक आदमी को, पूरा मोहल्ला काफ़ी सारा आदमी है, तो वहाँ पे क्या कानून पकड़ेगा? आप सबको थोड़ी पकड़ के जेल में मान लो डाल भी दिया सबको 50,000 को, उस पर क्या लगाएगा, एक एक क्या सजा डालेगा, थोड़ी डाल सकता है 3 साल 5 साल का सजा, तो वो नहीं हो सकता है ना। तो कोशिश करता है उसको पकड़ के, बाकी जो सुविधा है जो भी है वो कानून लगाता है उस पर। सो गैस, आज के टॉपिक में यही डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड और भी टॉपिक लाता रहता हूँ। बाय बाय।